हेलो फ्रेंड्स, तो होप आप सब ठीक हैं। आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि JKAS, जिसको पहले KS बुलाया जाता था, आजकल इसको JKAS बुलाया जाता है, इसके फॉर्म्स जो है ये आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है। 90 पोस्ट्स हैं टोटल, और जिसमें से आपको पता ही है कि 3 क्लासिफिकेशंस होती है इसकी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नंबर 1 पे रहती है, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस नंबर 2 पे रहती है, और जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विस नंबर 3 पे रहती है। तो इसके फॉर्म्स 1 अगस्त 2024 को मार्केट में आ चुके हैं। आप किसी भी साइबर कैफे में जाके ये फॉर्म भर सकते हो, या घर से भी आप ऑनलाइन भर सकते हो। और 21 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है 2024 को भरने की, और 10 नवंबर को प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, और उसके 2.5-3 महीने के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद इंटरव्यू का पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगले साल तक इसका जो है वो रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि एंड बाय द एंडिंग ऑफ 2025 रिजल्ट भी इसका आ जाना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर पोस्टपोनमेंट नहीं हुई तो। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं आपकी, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की, सारी आज हम दूर करेंगे। तो देखिए, ये JNK का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, सबको इतना पता है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। पहले तो इसकी प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी के अंदर 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज, एक CSAT, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, ठीक है, इस टाइप के सारे सब्जेक्ट्स आपको आएंगे। इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट साइंस एंड इकोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको जनरल स्टडीज में डिटेल में पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा पेपर CSAT का है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता। मैथमेटिक्स बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का आएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, ताकि आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ थोड़ा बहुत आता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि CSAT के पेपर को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए आपको 33%, लेकिन ये लाने भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि पैसेजेस जो इंग्लिश के वो टफ आते हैं, मैथ्स रीजनिंग भी टफ आती है। ठीक है, मींस आती तो एलिमेंट्री लेवल की है, लेकिन उसको एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना, ऊपर से प्रेशर भी होता है कि हम KS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ रहता है। इसलिए आपको CSAT की ही कम से कम 1 डेढ़ महीने या 2 महीने की प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, 2 महीने की लगा के चलिए, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो। अगर आप ट्रेंड हो तो आप सोचते हो कि मैं ऐसे ही क्लियर कर लूंगा, ऐसे ही क्लियर नहीं होगा, तब भी आपको 1 महीना इसको पढ़ना ही पड़ेगा। जो बिल्कुल जिनको मैथ्स वगैरह नहीं आता, उनके लिए 3 महीने या 4 महीने भी मैं बोलूँगा। ठीक है, हाँ, इंग्लिश को मास्टरी करने के लिए आपको डिटेल में न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, खास करके उसके एडिटोरियल और फ्रंट पेज। ठीक है, अगर आपको एडिटोरियल नहीं पता है तो आप मेरे पास आइए, या व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके पूछ सकते हो, तो हम आपको बता देंगे कि एडिटोरियल को कैसे पढ़ा जाता है, और पैसेजेस एडिटोरियल से भी उठाए जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, द हिंदू पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, या इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। डेली एक्सेलसियर आप KS के एग्ज़ाम के लिए आप रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। अब हम आते हैं जो मेन पेपर है, जनरल स्टडीज़। ठीक है, प्रीलिमिनरी में जो हमारा सबसे पहला पेपर है जनरल स्टडीज, उस पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब, तो यहाँ पे आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिटेल में स्टडी आप लोग करोगे, ठीक है, यहाँ पर कोई पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, यहाँ पर आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो आपको टॉप पे आना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। CSAT में तो आप 33% लेके पास हो जाओगे, लेकिन GS को क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप में आना पड़ेगा, अगर आपको मेंस देना है तो।
अगर आपके इतने नंबर नहीं आएंगे, कट ऑफ से ऊपर नंबर नहीं आएंगे, तो आप मेंस में नहीं पहुंच पाओगे, मेंस नहीं दे पाओगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी। अभी हम इतनी ही बात करेंगे, मेंस की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के प्रीलिम्स के फॉर्म भर हो रहे हैं। जब प्रीलिम के फॉर्म भर हो जाएंगे, मेंस की बात उसके बाद होगी, ठीक है। अब हम इस चीज पे आते हैं कि कौन लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम दो तरह के लोग दे सकते हैं। एक तो जिन्होंने ग्रेजुएशन जस्ट अभी कंप्लीट की है, जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड ईयर हो चुका है, वो दे सकते हैं ये एग्जाम। दूसरा, जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं ग्रेजुएशन के, वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी एज जो है वो 21 ईयर्स हो जाए, हो गई है अभी फॉर्म भरने के टाइम पे, अभी अगस्त में उनकी एज अभी 21 ईयर्स हो चुकी है, ठीक है। 21 ईयर्स आपने कब से कैलकुलेट करनी है? जब फॉर्म निकलता है तब से, ठीक है। तो फॉर्म 1st of August 2024 को निकला है, तो आप अपनी एज देख लो, 21 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो एक मैंने कहा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, दूसरा जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, यानी कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम नेक्स्ट ईयर देंगे, ठीक है ना, 2025 में देंगे, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी एज 21 हो चुकी है। नंबर थ्री, वो लोग जो ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं और पीजी कर रहे हैं या कर चुके हैं या उस पीजी से भी ऊपर पढ़ चुके हैं, वो सारे लोग भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा वो लोग तो एग्जाम देंगे ही जिनका पिछले साल क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वो अपना देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग एग्जाम दे सकते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार लोग तो तीन तीन अटेम्प्ट्स देते हैं, चार चार अटेम्प्ट्स देते हैं। तो सबसे बड़े मजे की बात यह है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई सबसे ज्यादा फ्रेशर्स करते हैं, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने अभी अभी कंप्लीट की है, ठीक है। वो लोग नहीं करते हैं जिन्होंने सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, बल्कि वो करते हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो सारा परसेंटेज भी काफी ज्यादा है जो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर करता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी काफी ज्यादा नंबर में, और सबसे ज्यादा नंबर पे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम से डरिए मत। लोग, पेरेंट्स और बच्चे ये डरते हैं कि केएस बहुत टफ है, इस एग्जाम से डरिए। लाइफ में कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है। अभी तो लोग ओलंपिक्स में मेडल जीत रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है हमारे देश के लिए। तो केएस तो एक नॉर्मल सा एग्जाम है। हाँ, आईएएस का एग्जाम, नेशनल लेवल का एग्जाम है, वो टफ माना जा सकता है, लेकिन केएएस का एग्जाम इतना, इसका प्रीलिम निकालना 2-3 महीने की बात है, सिर्फ 2-3 महीने पढ़ोगे इसका प्रीलिम आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आप करंट अफेयर के साथ टच में रहो, ठीक है। और आपने ये नहीं सोचना है कि ये बहुत टफ एग्जाम है, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये बहुत टफ एग्जाम है, तो फिर आप सोचोगे मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा या नेक्स्ट ईयर दूंगी, अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर भी यही सिचुएशन होगी। नेक्स्ट ईयर भी आप सोचोगे कि अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं अभी भी नहीं देता, मैं फिर नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो फिर ये करते करते आपको किसी और लाइफ में कहीं कहीं मैरिज का या कहीं जॉब का कुछ हो जाएगा, तो फिर ये एग्जाम आप दे नहीं पाओगे। तो कोशिश करिए, एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करिए और ये एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। देने में कोई हर्ज नहीं है, और अच्छी तैयारी करके दीजिए। मैंने कहा प्रीलिम्स, इस एग्जाम का प्रीलिम जो है वो 2-3 महीने में आप पढ़ के क्लियर कर सकते हो। मेंस एग्जाम जो होता है वो रियल में टफ होता है, ठीक है। उसकी स्ट्रेटजी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, पहले अभी हम प्रीलिम की ही बात करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वो आपको सीसेट की इंग्लिश में हेल्प करेगा, और वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, वो आपकी वोकेबलरी बढ़ाएगा, वोकेबलरी आपको मेंस में काम आएगी, ठीक है। वो आपकी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूज़ एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप मंथली कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, जो कि करंट इवेंट्स में आपको हेल्प करे, क्योंकि इस एग्जाम में करंट इवेंट्स काफ़ी आते हैं, ठीक है। करंट इवेंट्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक। हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स होते हैं कई बार, बहुत रेयर होता है लेकिन होते हैं,
ठीक है, जैसे हड़प्पा की कौन सी साइट अभी डिस्कवर हुई, इस तरह के कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी कुछ ना कुछ नया आता रहता है, और पॉलिटी इकोनॉमी में तो होता ही करंट है सारा। ठीक है, तो इसलिए करंट इवेंट्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस आप करंट इवेंट्स को दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आप दीजिए पॉलिटी को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, खास करके ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी दो तरह की होती है, वर्ल्ड और इंडियन, फिजिकल भी होती है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होती है। तो चार सेक्शंस होगी ज्योग्राफी की। ठीक है, तो ज्योग्राफी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, दूसरा इकोनॉमी, इकोनॉमी को खास तरह से पढ़िए, उसमें आपको जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सारा कुछ आना चाहिए, और करंट में इकोनॉमी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं वो नेशनलाइज कब हुए, ये सारा कुछ, स्टॉक एक्सचेंज का आजकल बड़ा चल रहा है, बीएसई, एनएसई, वर्ल्ड की स्टॉक एक्सचेंज, जिसके नाम, वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनके कैपिटल्स के नाम, जो खास करके अभी बांग्लादेश क्राइसिस जो चल रहा है उसका, इंडिया इंडो चाइना क्राइसिस जो है, बॉर्डर क्राइसिस, इंडो पाक रिलेशंस, इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो अफगान रिलेशंस, इंडो साउथ ईस्ट एशियन रिलेशंस। ठीक है, तो ये सारा कुछ करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को फॉलो करना है। ये सब आप करोगे तो आपका जनरल स्टडीज 3 महीने में तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी अब इस चक्कर में नहीं पढ़ो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे तो उसको 4 महीने चाहिए, एनसीईआरटी अभी स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, अभी आप बेसिक टेक्स्ट बुक्स पकड़ लो, उसी उसी में से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जरूर हो जाता है ये क्लियर एग्जाम। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। सी सेट मैंने कहा साथ साथ पढ़ना है, कुछ लोग सोचते हैं पहले मैं जीएस पढ़ लूँ फिर मैं सी सेट पढ़ूंगा, नहीं ऐसा नहीं, सी सेट को रोज पढ़ना है, डेली, जब तक एग्जाम नहीं होता, डेली 2-3 घंटे, 3 घंटे मान के चलो आपने देने ही देने हैं सी सेट को। ठीक है, 1 घंटा इंग्लिश को दे दो, 1 घंटा रीजनिंग को, और 1 घंटा मैथ्स को, 3 घंटे सी सेट को दे दिए, और आप मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे जीएस को दे दो। ठीक है, तो 6 और 3 9 घंटे हो गए, 9 घंटे आप पढ़ लो प्रीलिम्स तक, 10 नवंबर तक आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा। 1 घंटा जो आपका बचेगा वो आप न्यूज़पेपर वगैरह को या मैगजीन को दे सकते हो, टोटल 10 घंटे पढ़ो दिन में, ज्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 10 घंटे पढ़ो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो यही सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोग इस टाइम कंफ्यूजन में होंगे, जेएनके के लोग, कि भाई एग्जाम दे ना दे, उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूजन में होंगे। ठीक है, अब मेरे पास कुछ लोग आए, वो कहते हैं कि हम दिल्ली से कोचिंग ले आए हैं लेकिन अभी भी हमें केएस का प्रीलिम्स देने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिल्ली की कोचिंग बहुत एग्जॉस्टिव होती है, ठीक है, और वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाती है, ठीक है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराई जाती है। तो जो लोग दिल्ली से कोचिंग ले चुके हैं, ठीक है, वो प्रीलिम के ऊपर ध्यान दें और प्रीलिम फोकस्ड स्टडी घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करें और उनका प्रीलिम जरूर निकलेगा। हाँ, मेंस की बात आएगी तो मेंस वो दिल्ली में जो कोचिंग ले चुके हैं तो उनको वहां पर वो काम आएगा। ठीक है, तो बाकी इंटरव्यू को तो आपको पता ही है, वो मेंस का ही एक पेपर होता है इंटरव्यू, ठीक है, वो अलग नहीं होता मेंस से, इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ द मेंस एग्जाम। ठीक है, तो बाकी एक चीज कहूंगा, जगह जगह की बुक्स देखना, जगह जगह के नोट्स देखना, जगह जगह की टेस्ट सीरीज देखना, जगह जगह के यूट्यूब वीडियोस देखना, जगह जगह की कोचिंग्स देखना, ऑनलाइन कोचिंग्स देखना, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए। रोज के 10 घंटे मैंने बोले, 10 घंटे आपने पढ़ना है, और फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है कि डिफरेंट वीडियोस देख लिए, या आज पॉलिटी एक जगह से पढ़ रहे हो, कल पॉलिटी दूसरी जगह से पढ़ रहे हो, सेम टॉपिक, परसों पॉलिटी, सेम टॉपिक तीसरी जगह से पढ़ रहे हो, तो आपका सेम टॉपिक ही हफ्ता चल गया, तो भैया पॉलिटी कंप्लीट कैसे होगी? 12-13 चैप्टर हैं पॉलिटी के, सिलेबस कभी देखो तो आपको पता चले कितना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट करने, जो जो जिसने टाइम वेस्ट 1 दिन भी किया वो फेल है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, 1 दिन का टाइम वेस्ट करोगे वो भी आपको पेनल्टी पड़ेगी, वो भी आप पास नहीं कर पाओगे एग्जाम। ठीक है, इसमें बहुत आसान, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रीलिम उन लोगों के लिए आसान कह रहा हूँ जो मेहनत करेंगे, अदरवाइज ये एग्जाम आसान नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है। मैंने आसान क्यों बोला पहले, इसलिए बोला जो लोग मेहनत करेंगे उसके लिए आसान है, जो लोग 10 घंटे रोज पढ़ेंगे उसके लिए आसान है,
जो लोग 10 घंटे ये सिर्फ रिसर्च करते रहेंगे कि एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाए, पिछले साल के पेपर देखते रहेंगे बैठ के, पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज नहीं करेंगे, उनका एग्जाम ये कभी क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जल्दी किसी और वीडियो में भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।